जैसे आपने प्रश्न पूछा, क्योंकि आप अब आईएएस बनना चाहते हैं तो आपके मन में यह सवाल स्वाभाविक था। यह बहुत स्वाभाविक है कि समाज में अपेक्षाएं हो, निराशा नहीं होनी चाहिए, वरना ये छोड़ो यार ये मोदी जी तो ऐसे ही है, कुछ होने वाला नहीं, चलो यार अपना काम करें। जी नहीं, वो कहता है मोदी जी आप है और ये नहीं होता है, ये तो विश्वास है। मैं तो चाहता हूं, लोग कहते हैं कि मोदी ने बहुत एस्पिरेशंस जगा दिए, मैं तो चाहता हूं 125 करोड़ देशवासियों के 125 करोड़ एस्पिरेशंस होने चाहिए, उसको उजागर करना चाहिए, देश तभी चलता है। अपेक्षाओं के बोझ में दबना नहीं चाहिए, हमें अपेक्षाओं को पूरी करने के लिए अपने आप को सज्ज करना चाहिए। मेरा नाम मधुमिता सेन गुप्ता है, मेरा बेटा कक्षा 9वीं का छात्र है। महोदय, पहले मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था, टीचर्स अप्रिशिएट करते थे, लेकिन अभी कुछ समय से ऑनलाइन गेम्स की तरफ उसका झुकाव कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है, जिसके कारण उसके पढ़ाई पर फर्क पड़ रहा है। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की है, लेकिन मुझे लगता है मैं असफल हूँ। कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि मैं इस स्थिति को कैसे संभालूँ। धन्यवाद। पायनी, कृपया इस पर अपने विचार प्रकट करें। ये पबजी वाला है क्या? हम लोग गुजरात में बचपन से कहावत सुनते हैं, निशान चूक माफ नहीं, माफ नीचू निशान। यानी अगर निशान चूक जाते हैं तो माफ हो सकता है, लेकिन अगर निशान नीचा रखते हैं तो उसके लिए कोई माफी नहीं हो सकती। जब लक्ष्य तय करते हैं तो मेरा एक मत रहता है कि लक्ष्य ऐसा होना चाहिए जो पहुंच में हो लेकिन पकड़ में न हो। यानी लगता है भाई, मान लीजिए मुझे यहां छूना है, मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं छोड़, मेरी पकड़ में नहीं है, लेकिन 1 फुट अगर जंप लगा लूं तो मैं पकड़ सकता हूं, मतलब मेरी पहुंच में है, मेरी पकड़ में नहीं है। एक बार पहुंच वाला लक्ष्य होगा, जब पकड़ में आ जाएगा तो फिर नया लक्ष्य का की प्रेरणा उसी में से पैदा होगी। और इसलिए, लेकिन ऐसा भी ना हो कि हम कुछ ना करने के लिए बड़े बड़े लक्ष्य की बातें करते रहे। मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि ग्रेजुएशन के बाद पूछें कि क्या करते हो, तो मैंने देखा तो वो कहते थे सीए कर रहा हूं। तो मैं हैरान था, इतने सारे लोग सीए कर रहे हैं, क्या क्यों कर रहे हैं ऐसा? तो पता चला कि वो, ये मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूं, कि ये सीए कर रहा हूं ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो मैंने थोड़ा उनके परिवार इधर उधर बातें करते देखने, मैंने पाया कि कुछ नहीं करता हूं, ये जवाब बड़ा भारी रहता है। अब 22 साल की उम्र हो गई है, रिश्ते भी आते हैं, तो माँ बाप क्या जवाब दे, तो वो भी आसानी से कहते बेटा सीए कर रहा है। अब ये लक्ष्य नहीं है जी, ये तो एक प्रकार से चालबाजी है अपने आप को सुरक्षित करने की। हमें पहले अपने आप को भली भांति जानना चाहिए, अपने तरीके से जानना चाहिए, किसी के संदर्भ में नहीं, अपने माँ बाप के सपनों के संदर्भ में नहीं, अपने टीचर के संदर्भ सपनों के संदर्भ में नहीं, आपके प्रधानमंत्री के भाषण के संदर्भ में नहीं, खुद के संदर्भ में। मैंने जो तय किया था पहले क्या हुआ उसका, उससे आपको पता चलेगा हाँ मैं इतना तो कर सकता हूं, तो तय करो
यहां नहीं रुकना है, 5 कदम और जाना है। लक्ष्य अपने सामर्थ्य के साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए और अपने सपनों की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सपने ही मरे पड़े हो तो सामर्थ्य ही मरता चला जाता है, और ऐसी जिंदगी कभी नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मेरा मत रहेगा कि लक्ष्य साफ होने चाहिए। मेरी अभिभावकों से एक आखिरी एक विनती है कि आप कभी, अगर आपका बेटा 14 साल का है, तो दिन में एक बार, मां और बाप दोनों, दिन में एक बार आप जब 14 साल के थे तब क्या होता था, तब आपके मन में विचार क्या आते थे, तब आपके मां बाप जो करते थे उससे आपको क्या होता था, एक बार याद कर लेंगे, आपके और आपके बच्चों के बीच का तनाव कभी नहीं बढ़ेगा। खुद एक बार याद कीजिए कि आप 14 साल के थे तब क्या होता था, तो 14 साल के बच्चे के साथ क्या करना वो आपका ही अनुभव आपको सिखा देगा। आपके माँ बाप से आपने जो सीखा है वो सिखा देगा। लेकिन बहुत माँ बाप हैं वो अगर 50 के हो गए तो चाहते हैं बच्चा भी 50 के हिसाब से उनसे बात करे। आवश्यकता है, बेटा 14 का है, बाप 50 का है, बाप 14 का बन करके उस बेटे को समझने की कोशिश करे। काफ़ी समस्याएं परिवार की सुलझ जाएगी। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। ये एग्जाम उत्सव बने, आप जीवन को सफल बनाएं, जिंदगी को जीतें, गुण संपदा आपकी जिंदगी की ताकत है। पर्चे में लिखे हुए गुणांक ये जिंदगी में अल्टीमेट नहीं होता है। हम अपने आप को एजुकेट भी करें, हम आपको अपने आप को ट्रेन भी करें। जितना महत्व एजुकेशन का है उतना ही महत्व जिंदगी में ट्रेनिंग का है। ये संतुलन बना करके चले। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने परिवार में देखा होगा, आप कभी थक जाते होंगे, आप कभी बोर हो जाते होंगे, आपका मन भी करता होगा नहीं यार ये कुछ और करें। लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारी माँ का भी तो शरीर होता है, उसको भी कभी थकान लगती होगी, उसको भी कभी बीमारी आती होगी, उसको भी मन करता होगा चलो आज सो जाए। लेकिन वो हर पल कितनी बीमार क्यों ना हो, बच्चे का स्कूल से आने का समय होगा तो हंसते हुए चेहरे के साथ दरवाजे पर खड़ी रहती है। अगर उसको कोई सवाल पूछे कि माँ तेरे में ये ऊर्जा कहां से आती है, तुम दिन में 24 घंटे 8 घंटे किचन में खड़ी रहती हो, इधर दौड़ती हो, टेलीफोन आया तो उसको उठा लेती हो, घर की घंटी बजी तो दौड़ जाती हो, मेहमान आया तो पानी पिला लेती हो, काम वाली नहीं आई तो उसको बुलाने के लिए कोई व्यवस्था करती हो, नहीं इतनी सारी चीजें कैसे करती हो, क्यों? परिवार मेरा है, सदस्य मेरे हैं, मां के मन में भाव होता है मैं नहीं करूं तो कौन करे। जब ये भाव पैदा हो जाता है अपनेपन का तो फिर ऊर्जा अपने आप आती है, थकान कभी घर का दरवाजा नहीं देखती है। मेरे लिए भी 125 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, और 125 करोड़ देशवासी मेरे परिवार है तो मैं थकान महसूस नहीं करता हूं। हर पल मैं सोता हूं, रात को जब बिस्तर पे जाता हूं तो सुबह का सोच करके जाता हूं, दिन भर कितना किया नहीं किया बात की बात है, कल सुबह नए उत्साह से निकल पड़ूंगा ये सोच करके बिस्तर पे जाता हूं और नए उमंग नई ऊर्जा के साथ आता हूं।